वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश वाली क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई सारे कंपटीशन के एग्जाम ऐसे रहते हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको चीज़ों को रिलेट करने में। तो लेट्स स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, इसमें पहला आता है आपका रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू, ये वाला आपका एक सेंटेंस आता है। पहली बात तो हम टू को पहले रिलेट करते हैं एडवर्ब में, आपको बताया था, फिर से देख लेते हैं। टू का इस्तेमाल कहां पर करते हो? अनडिजायरेबल चीजों के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, जब चीजें क्या रहती हैं, अनडिजायरेबल रहती हैं। जैसे ही इज टू पुअर, आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, टू बाई अ साइकिल। क्या मतलब हो गया, वह इतना ज्यादा पुअर है कि एक साइकिल खरीद नहीं सकता है। पुअर कैसी मीनिंग है, अनडिजायरेबल है। तो इसको जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, और आगे बाई अ साइकिल, वह इतना ज्यादा गरीब है कि वह एक साइकिल खरीद नहीं सकता है। तो जब भी टू को रिमूव करते हो, टू और टू आगे जो इन्फिनेटिव रहता है, तो ये वाला टू हटाते हैं तो सो आ जाता है और आगे दैट पेयर में रहता है। और अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्या हो जाता है, कैन नॉट को रिलेट कर लेते हैं। ये है, अगर यही सेंटेंस आपका किस में हो जाए, पास्ट में हो जाए, पास्ट का मतलब हो गया ही वॉच टू लेजी टू विन द रेस। अब यहां पर वॉज आया है, टू और टू है। दूसरा रूल ये है कि टू के बाद डिग्री कौन सी होनी चाहिए, पीडी होनी चाहिए। पीडी का मतलब हो गया पुअर होगा, पुअरर नहीं, या फिर लेजी होगा, मोर लेजी नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में लेजियर नहीं, वाई हटा के बना सकते हैं। तो इसको जब बनाओगे तो क्या बनेगा, ही वॉज सो लेजी, वह इतना लेजी था दैट, सो का पेयर दैट आ गया है, ही अब कैन नॉट नहीं होगा, क्या कर दोगे, ही कुड नॉट विन द रेस। इस तरह से ये सेंटेंस का टू रिमूव हो जाएगा। तो टू का जब भी इस्तेमाल करते हैं अनडिजायरेबल चीजों में इस्तेमाल करते हैं, और इसका पेयर रहता है तो टू आ जाता है, इन्फिनेटिव रहता है। ओके, अब इसमें ध्यान दो, टू का दूसरा मीनिंग आता है, टू किस से रिलेट होता है, टू को आल्सो भी कहते हैं। आल्सो माने भी, आपका भी आता है, दैट इज जब जूलियस सीजर की बात करते हैं तो वहां पर जब सीजर पर अटैक हुआ तो वहां पर देखता है कि उसका जो फ्रेंड ब्रूटस था, तो सीजर ने क्या कहा जूलियस सीजर ने, कि ब्रूटस यू टू, तुम भी ब्रूटस इन लोग के साथ, कॉन्स्पिरेटर के साथ जुड़े हुए हो, इनके साथ मिले हुए हो, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है ये। तो ही इज ही टू पास्ड द एग्जाम, उसने भी एग्जाम को पास कर लिया था, उसने भी, या फिर ही आल्सो पास्ड द एग्जाम। तो टू का मतलब होता है, अगली मीनिंग आती है आपकी आल्सो के सेंस में आ जाता है। तो यहां पर अभी तो क्या हुआ, मैंने टू रिमूव किया तो क्या आया वहां पर, सो और आगे इन्फिनिटिव दैट करके निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन केवल टू लिखा हो, अगर आगे इन्फिनेटिव ना लिखा हो, अगर केवल टू है तो फिर इसको जब रिमूव करोगे तो क्या आएगा, या तो ओवर लगा सकते हैं, एक्सेसिवली लगा सकते हैं, और एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम केवल एक टू होने पर इनका इस्तेमाल करोगे, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करोगे, उस कॉन्टेक्स्ट में हम टू को रिमूव कर सकते हैं। देखें,
ही इज टू वीक, वह बहुत ज्यादा कमजोर है। केवल एक टू दिया हुआ, टी डबल ओ। अब यहां पर इसको कहा जाए कि टू को रिमूव करो तो क्या होगा, ही इज एक्सट्रीमली, यहां पर एक्सट्रीम को क्या कर दोगे, एक्सट्रीमली, और अगर इसको बनाओगे नाउन तो एक्सट्रीमिटी हो जाता है, तो ही इज एक्सट्रीमली। अब एक्सट्रीमली क्यों आ रहा है, और वीक लगा दो, ठीक है, अत्यधिक कमजोर है। अब ये एक्सट्रीम वर्ड आया है, ये उन वर्ड में लिस्ट में आता है, बताया था आपको, जब एडजेक्टिव ऐसे होते जिनकी हम ग्रेडिंग नहीं करते हैं, जैसे उनके पहले मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड बताए थे, अगर आपको रिकॉल कराता हूँ, जैसे परफेक्ट था तो मोस्ट परफेक्ट नहीं लगेगा या मोर नहीं लगेगा, या फिर यूनिक था, या फिर करेक्ट था, कंप्लीट था, एम्प्टी था, उस कॉन्टेक्स्ट में टोटल था, और इसी तरह से ये एक्सट्रीम है तो मोर या मोस्ट नहीं लगता, क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा होता है, सुपरलेटिव अप्रोच रहती है। अब यहाँ पर वीक क्या है, ही को मॉडिफाई कर रहा है, ही की विशेषता बतला रहा, तो क्या हो गया, वीक एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा, अब यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, तो ये हो गया आपका ही इज एक्सट्रीमली वीक, या फिर ही इज, ये लगा दोगे एक्सेसिवली वीक, या फिर ही इज वीक, और इसको जब भी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बाद में लगता है। इसी सेंटेंस को क्या कर दोगे, ही इज वीक, वह कमजोर है, और कितना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जो प्रॉपर लिमिट है उससे बियॉन्ड है वो वीक, इतना ज्यादा कमजोर है कि दिस वन। केवल एक टू होने पे, टी डबल ओ होने पर आपको इनमें चेंज करना है, ओवर है, एक्सेसिवली है, एक्सट्रीमली है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है, और अगर एक टू और रहता है तो फिर आपको बता चुका हूं। सम टाइम देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जिनमें आपका टू लगाना होता है उस सेंटेंस में, अभी तो मैंने लिखा कि रिमूवल ऑफ टू, अब इसी टू को अगर इंटैक्ट रखना हो, देखते हैं सेंटेंस, अमित एज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट, अब ध्यान दो इसमें, यहां पर सो लगा है और स्ट्रॉन्ग कैसी मीनिंग है, पॉजिटिव है, डिजायरेबल है, दैट ही कैन नॉट विन द गेम। मैंने क्यों कहा आपको कि इसका इस्तेमाल हम अनडिजायरेबल में करते हैं, अब इसको अगर रिमूव करते हैं तो क्या होगा, अमित इज टू स्ट्रॉन्ग टू विन द गेम। अब देखो कंट्राडिक्शन हो रहा है यहां पे, कंट्राडिक्शन मतलब हो गया कि अमित इतना स्ट्रांग है कि वो गेम जीत नहीं सकता है, तो उसकी स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो यहां पर सेंटेंस क्या होना चाहिए था, इतना वीक है कि वो रेस नहीं जीत सकता है, अब ये राइट हो जाएगा, ये गलत होगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी अमित इज टू वीक और टू विन द गेम, इतना कमजोर है कि गेम को जीत नहीं सकता है। तो जब भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं, टू और टू का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए क्या है, अनडिजायरेबल चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें इंटरचेंज ऑफ डिग्री, अगला ट्रांसफॉर्मेशन में यह आता है आपका इंटर चेंज ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज आपको बता चुका हूं जब एडजेक्टिव बताया था कि एक तो होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे पीडी, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। अब इनमें अगर आपको चेंज करना हो, सपोज करें पहली कंडीशन कोई भी सेंटेंस एक उसमें दिया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें दिया है नो अदर, नो अदर करके सेंटेंस बना है, और सो एज और एज एज आ रहा है बीच में, ठीक है, नो अदर करके सेंटेंस बना हुआ है,
सो एज एज करके आ रहा है, तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर कंपरेटिव डिग्री प्लस देन, जिनकी कंपरेटिव नहीं बना पाते तो क्या करते हो, मोर प्लस पीडी हो जाता है। ठीक है, जैसे मोर ब्यूटीफुल या फिर मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, वाई जी तो वाई बन जाएगा, तो मोर प्लस पीडी या फिर सी डी प्लस देन प्लस एनी अदर, ये ध्यान रखना एनी अदर का इस्तेमाल हो जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। एक सेंटेंस देखते हैं, नो अदर किंग वॉज एज ग्रेट एज समुद्रगुप्त, कोई भी राजा उतना महान नहीं था जितना कि समुद्रगुप्त। ठीक है, ये कंडीशन लग रही है नो अदर है, एज एज और सो एज के बीच में डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब कहा जाए इसका कि डिग्री चेंज करें आप, कंपरेटिव बनाए या सुपरलेटिव बनाए, तो कैसे बनाओगे, यहां पर ये रूल अप्लाई होना चाहिए। अब इसको उठा लेते हैं समुद्रगुप्त को, इस वर्ड को ले लेते हैं, तो क्या लिखोगे, समुद्रगुप्त वॉच ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेट का ये पीडी है। ठीक है, अब इसका बनाओगे कंपरेटिव तो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो ग्रेटर देन एनी अदर किंग, यहां पर एनी अदर किंग आएगा, ये ध्यान रखोगे, नो अदर किंग वॉज एज ग्रेट एज समुद्रगुप्त, यानी कोई भी राजा इनको मैच नहीं कर पाता था, और यहां पर क्या किया, समुद्रगुप्त ग्रेटर देन, समुद्रगुप्त ग्रेटर था देन एनी अदर किंग, ये वर्ड बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसी को सुपरलेटिव बना दिया जाए तो क्या होगा, समुद्रगुप्त वॉज द ग्रेटेस्ट, मैंने लिखा वहां पे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, तो ग्रेटेस्ट वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, सबसे महान किंग था। तीनों का मीनिंग एक ही है, ध्यान रखना जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंसेज का तो उसकी मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए, मीनिंग वही होनी चाहिए। तो तीनों सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये पीडी में है, ये आपका सीडी है, कंपरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, और ये है सुपरलेटिव डिग्री में, और तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही आ रहा है, मीनिंग विल नॉट चेंज। दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये आपका पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस किसमें हो जाए, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के बाद भी यहां पर क्या लगा सकते हो, एज एज या फिर सो एज, जैसा भी केस हो, ये तो आएंगे ही। कंपरेटिव डिग्री में क्या करोगे, सी डी प्लस मोस्ट अदर, और जिसकी सीडी नहीं बना पड़ते तो क्या करोगे, मोर प्लस पीडी हो जाएगा, और सुपरलेटिव में क्या करोगे, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन होना चाहिए। ये सेकंड फार्मूला है, इनको अगर आप रिटेन कर लोगे तो आप डिग्री को चेंज कर लोगे, अगर ये वाले क्लू दिए हुए हैं, देखते हैं इसको। मुंबई इज द मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। अब इसमें डिग्री आपको पकड़नी पड़ेगी, कौन सी डिग्री है ये, ये लिखा हुआ है वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री में है सेंटेंस, यानी ये है आपका, ये वाला आपने पकड़ लिया, और आगे ध्यान रखना जब भी वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ ये दिया होता है तो आगे प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, अब इसको मैंने कहा कि कन्वर्ट करें किसमें, इसको कन्वर्ट करना है आपको पॉजिटिव डिग्री में, तो क्या करोगे, वेरी फ्यू किसी भी डिग्री में हो, रूल यही अप्लाई होगा, वेरी फ्यू सिटीज
इन इंडिया या ऑफ इंडिया कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि प्लूरल है सिटीज तो आर एज बिग एज मुंबई। बहुत कम ही शहर ऐसे हैं जितने बड़े हैं जितने कि मुंबई, क्योंकि मुंबई बड़े शहरों में से एक है। ये हो गया आपका एज, एज लग गया है, वेरी फ्यू लग गया है, तो क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री में हो गया है। बिग का मतलब हो गया यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आ गई है। अब यही सेंटेंस कहा जाए हमें बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या करोगे, मुंबई को ले लेते हैं, तो मुंबई एज बिगर, और बिगर कंपैरेटिव डिग्री हो गया तो देन ले लेगा, तो बिगर देन मुंबई, बिगर देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया के अधिकतर शहरों से मुंबई क्या है ज्यादा बड़ा है, तो कंपेरेटिव है, देन है, और मोस्ट अदर ये लग गया है। तो ये इस तरह से हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री में दो कंडीशन, नो अदर और वेरी फ्यू। अगर नो अदर है तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या करोगे, कंपेरेटिव डिग्री देन प्लस एनी अदर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। वेरी फ्यू वाले केस में क्या करोगे, कंपेरेटिव डिग्री होगी, मोस्ट अदर लग जाएगा, और यहाँ पर सुपरलेटिव में क्या होगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन। इसको ध्यान रखोगे, क्यों प्लूरल नाउन इसे लिखा गया, क्योंकि वन ऑफ लिखा हुआ है, तो वन ऑफ का मतलब हो गया ये आपका इस तरह भी चलेगा। लेकिन हमेशा आप जो है चीजों को डिग्री को चेंज नहीं कर पाओगे, जैसे सेंटेंस देखते हैं और उसको आप सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे कहा गया मोहित इज टॉलर देन अनूप। अब यहां पर ध्यान दो, दो लोग हैं यहां पर मोहित और अनूप, और कहा जाए इसको कि डिग्री बना दो इसकी, कौन सी सुपरलेटिव डिग्री, तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें मोर देन टू की जरूरत होती है। इसको हम बना सकते हैं क्या, इसको हम बना सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में, अनूप इज नॉट सो टॉल, उतना लंबा नहीं है एज मोहित। दोनों का मीनिंग एक ही है, ध्यान रखना दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है। या फिर क्या करें, अगर नॉट नहीं लगाना चाहते हो तो क्या करो, टॉल को चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, अनूप इज टॉल का एंटोनिम क्या होता है, शॉर्ट होता है, तो शॉर्टर और देन, और यहां पर मोहित हो जाएगा। तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, टॉल का एंटोनिम बना दिया और इधर हमने अनूप को ला दिया, तो क्या हो गया, अनूप इज शॉर्टर देन मोहित, मोहित में लाए तो कंपेरेटिव डिग्री हो गई यहां पर, लेकिन ये सुपरलेटिव नहीं बनेगा। सो एज के बीच में डिग्री हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये होता है आपका इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इसी तरह से आपका एक सेंटेंस आता है नो अदर से, इनसे आप निगेटिव बना सकते हो, क्योंकि अभी मैंने जो बनाया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने में भी आपकी डिग्री क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे नो अदर से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो नो सूनर कर दो, नो सूनर डिड आई रीच देयर, जैसे मैं वहां पर पहुंचा, और देन लगेगा, क्यों लगेगा देन, कंजंक्शन बता चुका हूं, क्योंकि ये सूनर है और सूनर का मतलब क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। देन द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई, ओके, नो सूनर डिड आई रीच देन, रीच देयर जैसे मैं वहां पहुंचा, देन आ गया यहां पर, और रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, या देयर के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इस चीज को ध्यान रखोगे, आई वेंट देयर, आई वेंट टू देयर नहीं, देयर और हियर के पहले नो प्रीपोजिशन और रीच के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, दोनों रूल यहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर कहा जाए इसको बना दो अफर्मेटिव, क्या होगा, एज सून एज पॉजिटिव डिग्री आ गई बीच में, एज एज बीच में पॉजिटिव डिग्री, एज सून एज आई अब डिड हटा दो तो रीच क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, और अब यहां पर देन हट जाएगा, द रेन स्टार्टेड। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, यहां पर
कंपरेटिव था तो क्या हो गया ये पॉजिटिव डिग्री में, और यहाँ पर ये क्या है निगेटिव है, और ये कैसा बन गया ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव बन गया है। तो दो चीजें बदल गई, यहाँ पर डिग्री भी बदल गई है और आपने सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंसेज के, जैसे आपके वॉइस चेंज करेंगे, नरेशन को चेंज करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, निगेटिव से अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस, या फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसकी नेक्स्ट सीरीज में हम आपको बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, देखें और शेयर करें। ओके।